पैराथायराइड और थायराइड में क्या फर्क है? अच्छा, अब एक फर्क तो ये है कि थायराइड जो है ग्लैंड, वो हमारे यहाँ पे वाकया होता है, ये तो सबको पता है, गर्दन यहाँ इस जगह पे ना। और वो अगर बड़ा हो तो वो गिलड़ जिसे कहते हैं, वो रूनमुदारा हो जाता है। उसमें कई दफ़ा छोटा कोई एक नोड्यूल होता है जो बहुत ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, कई दफ़ा वो पूरा। अच्छा, वो एक और एक है, उसके दो लोब होते हैं, एक इधर एक इधर। ये जो पैराथायर ग्लैंड्स हैं, ये थायराइड के ऊपर छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल ही मामूली, यानी समझ लें कि चाय का दाना या मटर का दाना, इससे बल्कि उससे भी छोटे होते हैं, ये अच्छा छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं। सही अब ये होता है क्या है कि इनका भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है जिस्म के अंदर। पैराथायरॉयड हार्मोन ये पैदा करते हैं। बल्कि अभी मैंने पिछले दिनों एक मेरे पास मरीज़ा तशरीफ़ लाई, को 50-55 उनकी उम्र होगी, उनको 2-3 साल से पूरे जिस्म में दर्द रहता था। अब दर्द रहता था, आप देखें ना, कोई बंदा सोच सकता है कि ये जोड़ों में दर्द है या हड्डियों में है या पूरे जिस्म में है, तो इसका हार्मोन से क्या ताल्लुक होगा। लेकिन जब मैं उनकी हिस्ट्री उनसे बातचीत कर रहा था, वो बहुत सारे उन्होंने हड्डी के डॉक्टरों को दिखाया, रूमेटोलॉजी पता नहीं, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा चुके थे, बहुत सारी दवाइयाँ वो खा रही थी, बहुत तेज़ किस्म की दवाइयाँ, में नशावर टाइप भी, वो जैसे जिनमें थोड़ा सा वो होता है पुरसकून, वो भी खा चुकी थी वो, लेकिन वो जा नहीं रही थी। तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा जब मैं कैल्शियम खाती हूँ तो मेरा दिल घबराता है। तो मुझे वहाँ से स्ट्राइक की बात कि ये जो, क्योंकि पैराथायराइड नज़र नहीं आता ना, तो पता नहीं चल रहा है बड़ा हुआ, तो पता नहीं चलेगा। तो मैंने उनका एक तो कैल्शियम चेक कराया, वो भी आयनाइज फ्रैक्शन, वो एक आयनाइज होता है, एक आयनाइज टोटल लोग करवाते हैं, लेकिन आयनाइज जो फ्रैक्शन है वो ज़्यादा बेहतर आपको बताता है कैल्शियम का लेवल। और वो उसकी एक ख़ास बात यह है कि वो आप ये बांध के नहीं उसको ले सकते, वो नॉर्मल वेन से लेना, आपने बांधेंगे तो वो हाई आए। अच्छा, खैर, अब मसला ये होता है कि वो PTH मैंने उनको जब बताया, वो कहने लगे ये क्या चीज़ है। मैंने कहा पैरा, कहती है थायराइड तो मैंने पहले कराया हुआ। मैंने कहा नहीं, ये थायराइड नहीं है, ये पैराथायराइड है, थायराइड से ऊपर या उसके इर्द गिर्द होता है ये। खैर, उन्होंने करवा लिया, वो बहुत हाई आया, यानी कि नॉर्मल 60 उसकी वैल्यू है, अपर वैल्यू 60-65 है, तो वो 220 प्लस था और कैल्शियम भी ज़्यादा थी। नॉर्मली होता है कि कैल्शियम अगर लो हो तो थोड़ा सा IPTH बढ़ जाता है, पैराथायराइड हार्मोन जो है। तो क्योंकि वो उसको, उसका काम ही यही है कि जब कैल्शियम लेवल किसी वक्त लो हो जाए आपकी बॉडी में, तो उसको मेंटेन रखने के लिए वो आपकी हड्डियों में से कैल्शियम निकालता है। अच्छा, तो जैसे वाइटामिन डी है ना, वो तो कैल्शियम आपके अंतड़ियों से लेके आता है, खाने में से, आपके ब्लड के अंदर, उसका डिफरेंट रोल है। ये भी कैल्शियम को पूरा करता है कमी को, लेकिन ये पूरा करता है किस तरह से, आपकी हड्डियों में से निकाल के उसको खून में शामिल करता है। तो ये वक्ती तौर पे तो ये फ़ायदा दे सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा देर के लिए ये अमल जारी रहे, और तो नॉर्मली तो ये होगा ना, कैल्शियम लो भी इसने पूरी कर दी, उसके बाद इसका काम, आपने फिर कैल्शियम खा ली कुछ चीज़ तो वो बराबर हो जाते सब, या हड्डियों में से निकाल के इसने पूरा कर दिया कमी कुछ दिन के लिए। लेकिन जब ट्यूमर होगा, पैराथायराइड ग्लैंड का ट्यूमर, तो वो कंटिन्यूसली पैराथायराइड हार्मोन पैदा कर रहा है, कंटिन्यूसली वो पैदा कर रहा है, वो कंटिन्यूसली आपके कैल्शियम भी ज़्यादा है और आपकी हड्डियां खुर रही हैं, यानी जिसे कहते हैं, यानी वो उनके अंदर से बुरी हो रही है। हाँ, उनके अंदर से वो जो कैल्शियम है वो निकल रही है। सही। तो वो कैल्शियम जब निकल रही है, वो नरम हो रही है, और वो ऑब्वियसली दर्द भी होगी उनमें, और वो उनका था, उसमें ट्यूमर निकला उनके, फिर आगे उसके फिर फर्दर न्यूक्लियर स्कैन और ये वो,